सांसद, दो बार विधायक और एक बार मंत्री रहने वाले राजस्थान के विश्वेंद्र सिंह इन दिनों सुर्खियां बटोर रहे हैं। विश्वेंद्र सिंह ने अपनी पत्नी दिव्या सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। विश्वेंद्र सिंह ने पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि उनकी पत्नी दिव्या सिंह ने सोना, हीरे, जवाहरात चोरी करने का आरोप लगाया है। बीते 15 दिन पहले भी विश्वेंद्र सिंह ने अपनी पत्नी और बेटे पर उन्हें बेरहमी से पीटने के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। अब एक बार फिर से विश्वेंद्र सिंह ने अपनी पत्नी और बेटे के खिलाफ मथुरा गेट थाने में केस दर्ज कराया है। पुलिस से शिकायत के आधार पर लॉकर से सोना, हीरे, जेवरात, चोरी सहित मारपीट का मामला दर्ज कराया गया। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 341, 323, 504, 506, 420, 406, 424, 380 और 34 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। थाना अधिकारी करण सिंह राठौर का कहना है कि पूरे मामले में जांच की जा रही है। इससे पहले भी पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने अपनी पत्नी और बेटी के खिलाफ भरण पोषण सहित मारपीट और अत्याचार कर प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए एसडीएम ट्रिब्यूनल कोर्ट में परिवाद दायर किया था, जिसकी लगातार सुनवाई हुई और 12 जून को उसका फैसला आना है। लेकिन उससे पहले इस पूरे मामले में एक नया मोड़ आ गया है, जिसमें देखा गया है कि पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह द्वारा अपनी पत्नी और बेटे पर आरोप लगाते हुए मथुरा गेट थाने में मामला दर्ज कराया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि विश्वेंद्र सिंह आखिर इतने चर्चा में क्यों रहते हैं, तो हम आपको बता दें कि विश्वेंद्र सिंह राजस्थान के भरतपुर सियासत के अंतिम शासक के बेटे हैं। विश्वेंद्र सिंह राजस्थान की सियासत में लंबे समय से सक्रिय हैं। 3 बार सांसद, 2 बार विधायक, 1 बार मंत्री रहने वाले विश्वेंद्र सिंह इन दिनों अपने पारिवारिक विवादों के चलते सुर्खियां बटोर रहे हैं। विश्वेंद्र सिंह बीते कुछ समय से अपने परिवार की संपत्ति को लेकर झगड़े में फंस गए हैं। संपत्ति को लेकर विश्वेंद्र सिंह का उनकी पत्नी दिव्या सिंह और बेटे के साथ झगड़ा चल रहा है। विश्वेंद्र सिंह की पत्नी दिव्या सिंह ने भी विश्वेंद्र सिंह पर शाही संपत्ति बेचने का आरोप लगाया था। विश्वेंद्र सिंह साल 1989 जनता दल की तरफ से पहली बार भरतपुर सांसद चुने गए थे। इसके बाद 1999 और 2004 में भी उन्हें लोगों ने सांसद बनाया। 2008 के बाद विश्वेंद्र सिंह का भाजपा में मतभेद हो गया और उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। इसके बाद विश्वेंद्र सिंह ने 2013 और 2018 में डी कुम्हेर से विधायक का चुनाव भी जीता, लेकिन पारिवारिक कलह की वजह से विश्वेंद्र सिंह को बीते चुनावों में कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया। इसके बाद अब विश्वेंद्र सिंह अपनी संपत्ति विवाद को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। पुलिस ने भी मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है।